दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बायर कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में जो कि रिजल्ट के मामले में बहुत ही अच्छा सबसे आगे रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बायर कंपनी का जंप इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जंप इंसेक्टिसाइड क्या है और इसमें क्या टेक्निकल मिलता है, इसको कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, इसको स्प्रे करने से क्या हम लोगों को फ़ायदा मिलता है, और उसके अलावा इसका डोज कितना है, प्राइस कितना है, उसके अलावा रिजल्ट टाइम कितने दिन का होता है, क्या इसके साथ किसी दूसरे दवा को साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो पूरे डिटेल्स में हम जंप इंसेक्टिसाइड के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना है, तभी आप लोगों को पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके से ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर कंपनी का जंप क्या है। तो जंप एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो कि रिजल्ट के मामले में सबसे आगे रहता है, और ये दोस्तों आप लोगों को थ्रिप्स के ऊपर काफ़ी अच्छा नियंत्रण देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसका टेक्निकल के बारे में। तो इसमें जो टेक्निकल मिलता है, फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म पर मिलता है, यानी वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म पर मिलता है, जो कि रिजल्ट के मामले में बहुत ही आगे रहता है थ्रिप्स के ऊपर। मेनली अगर चिली में स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है इसको हम लोग कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग किसी भी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसल में, उसके अलावा फूल वर्गीय फसल में और फल वर्गीय फसल में भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन थ्रिप्स के ऊपर ये अच्छा रिजल्ट देता है। एफिड जेसिड के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट देता है, उसके अलावा धान में जैसे कि लीफ होल्डर के ऊपर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस सब में अगर आप लोग जंप को स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है जंप को हम लोग कितने मात्रा में और किस टाइम पे स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है डोज। तो डोज की अगर बात की जाए तो जंप को आप लोग 15 लीटर के पंप में 2 ग्राम अच्छी तरीके से ले करके अच्छी तरीके से घोल बना के अगर स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसको आप सुबह के टाइम और शाम को टाइम स्प्रे कर सकते हैं। सुबह के टाइम मतलब जैसे कि 8:30-9 बजे तक आराम से स्प्रे कर सकते हैं, और शाम को आप लोग 4:30-4:30-5 बजे तक आराम से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग जंप को स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है प्राइस। तो दोस्तों इसको आप लोग मार्केट में जो 2 ग्राम का पाउच मिलता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो 2 ग्राम का पाउच है ये एक पंप का होता है, 15 लीटर का पंप का, और इसको आप लोगों को 50 रुपये में आराम से मिल जाएगा एक पंप का, और बड़ा भी फाइल मिल जाता है, लेकिन ये 2 ग्राम का फाइल है, ये आप लोगों को 50 रुपये में आराम से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात आती है इसके साथ अगर किसी भी दवा को हम लोग मिला के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके साथ अगर आप लोग इमिडाक्लोरोपिड जैसे कि एडमायर आता है उसको अगर आप लोग स्प्रे करते हैं मिला के तो काफ़ी और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग जंप को यूज कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों जंप इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं।